नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर NHM में जो वैकेंसी निकली थी आपका, जाके फरवरी मार्च में जो है ये वैकेंसी निकल कर आई हुई थी। 1140 पद पर ये वैकेंसी आई हुई थी, प्रखंड जिला और राज्य स्तर पर ये वैकेंसी जो है आई हुई थी आपका, जाके फरवरी मार्च में, मार्च तक लास्ट अपडेट करने का डेट दिया हुआ था, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज। तो अभी एक लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर ये जो नेशनल हेल्थ मिशन जो होता है उसकी तरफ से ये आया हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत अनुबंध आधारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन, ये विज्ञापन संख्या है जो कि 22/2 जैसा मैंने बताया फरवरी मार्च में निकला था, में प्रकाशित कुछ पदों में झारखंड सरकार द्वारा निर्देशित नीतिगत निर्णय के फलस्वरूप इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28/9/2022 से दिनांक 16/10/2022 तक MS सेम्स के एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें ये है कि जो आपका जाके मार्च, इसका शॉर्ट लिस्ट भी निकाला गया था आपका जाके सेम्स के तरफ से, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और फिर से जो फरवरी मार्च में जो वैकेंसी निकला था उसको फिर से जो है अभी यहाँ पर फिर से पोर्टल खोला गया है 28 सितंबर से लेकर 16 आपका जाके अक्टूबर तक, और 5 दिन बचा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट उस टाइम नहीं भर पाए थे वो जो है इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का टोटल प्रोसेस का जो है एक वीडियो में बनाया हूँ, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अप्लाई उसी टाइम मैंने बनाया था, सेम प्रोसेस है अप्लाई का, तो आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है आपका, 16 अक्टूबर तक इसका जो है लास्ट डेट है। ये जैसे ही अप्लाई होगा उसके बाद फिर से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर एग्जाम जो है लिया जाएगा। अभी तक इसका जो है कमेंट आ रहा था कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, NHM वाला, तो अभी तक इसका एग्जाम जो है नहीं होगे हुआ है ये सब पदों पर। तो कुछ पदों पर जो है फिर से वैकेंसी को ये किया गया है, तो फिर से ये वैकेंसी ये किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पद वाइज जो है ये वैकेंसी का डिटेल्स है, ये पिछले बार का ही वैकेंसी है जो आया हुआ था, वही वैकेंसी है। यहाँ पर पद वार सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ये मैं अटैचमेंट जो है मैं लगा दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन से, आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप लोग आसानी से इसको जो है देख सकते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका ये लिंक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले से अगर है तो, यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पे जाके लॉगिन करके जो है आप इसको आसानी से, ये पूरा प्रोसेस मैं बताया हुआ हूँ पिछला वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किस किस पद पर जो है फिर से जो है वैकेंसी डालने के लिए दिया गया है, स्टेट वेटनरी कंसल्टेंट, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसका डिटेल खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा इसका डिटेल पूरा खुल जाएगा। क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसका एजुकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सारा चीज़ को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो में यही था, और जो भी कैंडिडेट नहीं है अप्लाई किए थे उस टाइम या छूट गया था वो फिर से अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है, फिर से अप्लाई कर दीजिए, आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसमें आपका जाके PG ग्रेजुएशन, अलग अलग पद वार जो है, अलग अलग जो है योग्यता और अनुभव आधारित ये है, तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से, ये मैं अटैच कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।